भाई अब्दुलमान ये बताएं, ये एक कमरा कितने का बन जाता है तकरीबन? तकरीबन अगर 10 × 10 का है तो ये 6,000। 10 × 10 = 10, 100 फुट हो गया जी जी, 100 फुट हो गया। 60 रुपए के हिसाब से 6,000 हो गया। 6,000 हो गया तकरीबन एक छत 6,000 में, 7,000 में अगर कमरा बड़ा है, यानी 8,000 में फुट का हिसाब है, 50, 60 रुपए फुट है, जितने फुट कमरा हो जाएगा उसको जरब दे लेना ना मुरब्बे। ठीक हो गया, यानी 6-7 हज़ार में एक कमरा पड़ जाता है। ये तकरीबन 10 × 10 का है, ये जी नाजरीन 10 × 10 का है, ड्राइंग रूम है ये तकरीबन 6,000 में लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद अरशाद और आपके साथ आज शेयर करते हैं सीलिंग की कुछ मालूमात। ये दोस्त एक सीलिंग लगा रहे हैं, बहुत से लोगों ने सीलिंग लगानी होती है, इसकी मालूमात देते हैं कि कैसे लगाई जाती है, इसकी क्या प्राइस है, इसका क्या फ़ायदा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं अब्दुलरहमान भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी भाई, अब्दुलरहमान सीलिंग लगा रहे हैं, ये कैसे कैसे फुट लगा रहे हैं भाई आप? ये 65 है, 65 रुपए। अच्छा 65 रुपए फुट, मुरब्बा फुट जी जी, स्क्वायर फुट। और इसको आप उससे प्लस्तर भी करेंगे या ऐसे इसकी फिलिंग करेंगे जोड़ों पर? प्लस्तर करेंगे इसको। प्लस्तर वाले का रेट अलग होता है और दूसरी का अलग, या सेम ही रेट है? नहीं नहीं, प्लस्तर वाले का अलग होता है। अच्छा, इसमें मेहनत ज्यादा होती है, बिल्कुल शीशा करके देंगे हम आपको, शीशे की तरह। उसके बाद उसकी वाल पट्टी जो होती है वो नहीं करनी पड़ेगी? अच्छा अच्छा माशाल्लाह। और डिजाइन मुख्तलिफ होगा तो मुख्तलिफ रेट होता है या सेम ही है? नहीं, डिजाइन मुख्तलिफ होगा तो रेट भी मुख्तलिफ होगा। ठीक, यानी डिजाइन कोई ज्यादा नक्शा उसका ज्यादा है तो उसमें रेट ज्यादा हो जाएगा? ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका फायदा क्या होता है, खूबसूरती के लिए या इसका और भी कोई फायदा है? हाँ, छत्ते ठंडी, कमरे ठंडे हो जाते हैं। और ये ऊपर प्लास्टर भी नहीं किया हो इन्होंने, ये क्या सीन है? ये बस ऐसे ही है, प्लास्टर नहीं करते आजकल इधर। मेरा ख्याल है प्लास्टर के पैसे इन्होंने इसमें बचत कर ली। ये देखें, यहाँ भी देखें नाजरीन, यहाँ भी प्लास्टर नहीं किया हुआ। मेरा ख्याल प्लस्तर 20-25 रुपए फुट के हिसाब से प्लस्तर भी होता है, उसकी मजदूरी और सीमेंट रेत उसकी पैर का खर्चा अलग है, इसलिए इन्होंने ये प्लस्तर नहीं करवाया। तो ये खर्चा कुल मिलाकर थोड़ा सा और मजीद खर्चा करके ये सीलिंग लग जाती है। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत डिजाइन है, इसके ऊपर जब कलर होगा तो फिर मजीद खूबसूरत हो जाएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह, इस कमरे में अलग है, सब कमरों में अलग अलग लगा रहे हैं, उस कमरे का डिजाइन अलग है, इस कमरे का डिजाइन अलग है। लाइट है नहीं थोड़ी, यहाँ पर अंधेरा है थोड़ा सा, तो यहाँ पर भी सारी सीलिंग होनी है। नाजरीन आप ऐसे बेहतर तरीका यही है कि प्लास्टर के बगैर, ये देखो कंक्रीट है ऊपर सा लेंटर डाला हुआ है, तो प्लास्टर कराने से बेहतर है जो प्लास्टर पर खर्चा आएगा थोड़ा से और पैसे मिलाकर सीलिंग करवा लीजिए। ये इसकी प्लेटें हैं सीलिंग की, इस पोर्टर के साथ लगाया जाता है। ये शबाज भाई हैं जी, माशाल्लाह शबाज भाई भी इनके साथ हैं, ये दो कारीगर हैं। शबाज भाई, ये टीयर गार्डर पे भी लग जाती है? जी लग जाती है। उसमें भी सेम रेट है या रेट का फर्क होता है? सेम रेट ही होता है। तो उसमें ऊपर से पानी नहीं आता है? नहीं पानी नहीं आता, ऊपर से तैयार होती है ना, वो डबल टाइल होती है। अच्छा, डबल टाइल हो फिर लगानी चाहिए, अगर ऊपर मिट्टी हो टाइल ना डबल हो फिर लगवा रहे हैं, बस पानी का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, पानी ना ऊपर से आ जाए, अगर पानी पड़ेगा तो फिर खराब हो जाएगी? खराब हो जाएगी। ठीक है, टीयर गार्डन में भी सेम ही रेट होता है? जी जी, टीयर गार्डन में जैसा डिजाइन है वैसा रेट है। अच्छा, डिजाइन के हिसाब से रेट है? डिजाइन के हिसाब से है। कम से कम इसके क्या रेट होते हैं भाई? कम से कम इसके, इस दौर में जो जा रहे हैं टीयर गार्डन पे, 60 रुपए कम से कम 60 रुपए, क्योंकि उधर मेहनत ज्यादा होती है। टीयर गार्डर पे मेहनत ज्यादा है सिलेंडर से? अच्छा, वैसे भी महंगाई होगी। आप प्लेट कितने की ये मिलती है आपको? ये 50 की। 50 रुपए की प्लेट है, और महंगाई ने काफी महंगा किया है सामान आपका? तो और क्या, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो इसमें दिहाड़ी कितनी होती है कारीगर की? 1200-1300, ज्यादा से ज्यादा 1200। अच्छा, और लेबर जो साथ मजदूर होता है उसकी? 500-600 दिहाड़ी है। और ये प्लेट 50 रुपए की बता रहे हैं, पहले मेरे अंदाजे से ये 30-35 की होती थी,
पाकिस्तान के अंदर महंगाई इतनी ज़्यादा हुई है। और ये पाउडर का थैला कितने का है? 550 का, ये 550 का हो गया। और ये जो आप लगा रहे हैं कुंडियों के साथ लगाते हैं या किलों के साथ लगा देते हैं? कुंडियों के साथ भी है और किलों के साथ भी है। डिनर गार्डन पे और किलों के साथ चलेगी। अच्छा, इधर है लैंडर पे के साथ, कुंडियों के साथ। ये भाई अब्दुलरहमान साहिवाल में है, इनका मोबाइल नंबर आपको बताते हैं। साहिवाल में जिसने भी सीलिंग करवानी हो इनसे रब्ता कर सकते हैं। TR गार्डर हो उस पर भी लगा देते हैं और लैंडर हो उस पर भी। तो जो लोग नया मकान बनाते हैं उनके लिए ये मालूमाती वीडियो है, ताकि उनको पता चल जाए कि सीलिंग कैसी होती है, क्या रेट है, क्या तरीका है। तो बेहतर है कि आप छतों को प्लस्तर ना करवाएं, क्योंकि जो प्लस्तर पे पैसे लगेंगे कम से कम मेरे अंदाजे में 30-35 रुपये फुट आपको प्लस्तर ही पड़ जाएगा। तो ये 60 रुपये बता रहे हैं, 60-65 है, ऐसे मुख्तलिफ डिज़ाइन मुख्तलिफ रेट है। तो सीलिंग करवा लीजिए, बहुत खूबसूरती आती है इससे। तो ये पेंट भी आप करके देंगे या वो अलग से करिए? नहीं, वो अलग से होगा। अच्छा, रंग वाला रंग करेगा बाद में। असल में ये रंग के साथ ही खूबसूरत लगती है, रंग जब होता है ना तो फिर इसकी ज़्यादा खूबसूरती आती है। लेकिन प्लस्तर से बेहतर है ये, और TR गार्डर के नीचे भी लग जाती है। अब तो गाँव में भी लोग मेरा घर लगा रहे हैं सब लोग। भाई अब्दुलरहमान ये बताएं, ये एक कमरा कितने का बन जाता है तकरीबन? तकरीबन अगर 10x10 का है तो ये 6000। 10x10 पे 10, 100 फुट हो गया। जी जी, 100 फुट हो गया। 60 रुपए के हिसाब से 6000 हो गया। 6000 हो गया तकरीबन एक छत 6000 में, 7000 में अगर कमरा बड़ा है, यानी 8000 में फुट का हिसाब है। 60 रुपए फुट है, जितने फुट कमरा हो जाएगा उसको ज़र्ब दे लेना ना मुरब्बा। ठीक हो गया, यानी 6-7 हज़ार में एक कमरा पड़ जाता है। ये तकरीबन 10x10 का है। ये जी नाजरीन 10x10 का है, ड्राइंग रूम है ये। ये तकरीबन 6000 में लग रहा है ये। ये देख लें जी, मुख्तलिफ डिज़ाइन होते हैं, आपको डिज़ाइन दे देंगे, जो पसंद हो उस तरह का डिज़ाइन आप लगवा सकते हैं। अब ये थोड़ा सा काम इनका बाकी रह गया है। ये साहिवाल में है, सिर्फ ओनली साहिवाल। साहिवाल के अंदर किसी ने आए डेकोरेशन करवानी हो सीलिंग की, तो इनसे रابطہ कर सकते हैं। इनका नाम है भाई अब्दुलरहमान, बहुत अच्छे बंदे हैं, अखलाक बहुत अच्छा है, कारीगर बहुत अच्छे हैं, काम बहुत अच्छा हमारा कर रहे हैं। ये देखो माशाल्लाह, इसके साथ मुंज के साथ लगाई जाती है ये। घर में खूबसूरती आती सीलिंग से है या नीचे फर्श लगाने से है? देखें माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक डिज़ाइन लगा रहे हैं और काम भी अच्छा कर रहे हैं। और इसका तरीका ये होता है कि प्लस्तर जब मकान आपका हो जाए तो नीचे फर्श लगाने से पहले, क्योंकि देखें नीचे कचरा भी होता है ना, तो पत्थर भी अगर लगवा लिया हो तो रगड़ाई करवाने से पहले, दूसरा काम इसी का होता है, सीलिंग ऊपर होनी चाहिए उसके बाद रगड़ाई करानी चाहिए, ताकि आपका नीचे पत्थर वगैरह जो ख़राब ना हो। इसके बाद ये थोड़ी खुश्क हो जाएगी तकरीबन एक हफ़्ते में, लाइटें भी इसमें लगेंगी और इसको फिर आप पेंट करवा सकते हैं। कलर बहुत खूबसूरत आया, वो आपको बताएंगे पेंट वाले। तो मेरे चैनल पर और भी वीडियो हैं तस्वीरों की, वो भी आप देख सकते हैं, जो भी डिज़ाइन पसंद करेंगे। नहीं तो ये भाई से रब्ता करेंगे तो आपको ये तस्वीरें भी सेंड कर देंगे। तो ये थी आज की थोड़ी सी मालूमात आपके लिए। जिन्होंने सीलिंग करवानी है उनको थोड़ी मालूमात चाहिए होती है कि कैसे होती है, क्या रेट है, क्या तरीकाकार है, इसलिए जो मुझे समझ में आया मैंने आपके साथ शेयर किया है। हाँ जी भाई अब्दुलरहमान, अपना नंबर बता दें, मोबाइल नंबर 0304-65-82-630
0304-65-82-630 ये भाई अब्दुल रहमान है साहिवाल में। सिर्फ काम साहिवाल में करेंगे, तो कोई मालूमात चाहिए हो, काम करवाना हो साहिवाल के अंदर, तो इनसे रब्ता कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो नाज़रीन इसके साथ ही मोहम्मद अरशाद को दें इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।